गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज लॉजिक फैमिलीज का पांचवा लेक्चर बना रहे हैं, फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको बेसिक गेट के बारे में, ट्रांजिस्टर से बेसिक गेट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया था। आज हम लोग यूनिवर्सल गेट ट्रांजिस्टर से कैसे बनता है। तो मैंने सबसे पहले आज NAND गेट लेके चल रहा हूं, इसको अच्छे से ऑपरेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, कैसे बनता है। तो आप NAND गेट सर्किट आप यहां देख रहे हैं, इसमें दो ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, T1 और T2। यदि मैं AND गेट की बात करूं तो ऐसा ही फोटो था, सिर्फ यहां एक और ट्रांजिस्टर बना हुआ था, लेकिन मैंने उस ट्रांजिस्टर को हटा दिया और सीधे यहां से और यहां आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग NAND गेट कहते हैं। बट हम ऐसे कैसे मान लें कि ये NAND गेट है, तो इसको ऑपरेट करके मैं शो करके दिखाता हूं कि ये NAND गेट कैसे है। तो चलिए इस NAND गेट को समझने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन को समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट लेंगे, एक एक करके केस को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, यदि मेरे पास दो इनपुट है ए और बी, तो मैं ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट लूँगा, बी इज इक्वल टू भी 0 वोल्ट लूँगा। ये मेरी मर्जी है, चार केस बनेंगे, मैं पहला केस बता रहा हूँ जिसमें ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट, बी इक्वल टू 0 वोल्ट। तो जब आप इसमें 0 वोल्ट और इसमें 0 वोल्ट देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, यानी नहीं ऑन होगा, क्योंकि किसी ट्रांजिस्टर के बेस में सप्लाई नहीं देने पर ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है। यानी हम लिख सकते हैं हियर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे T1 इज इक्वल टू ऑफ, ठीक है, और इसी के बराबर में लिख देंगे ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन स्विच, ठीक है। T2 का भी मान जो है ऑफ होगा, ठीक है, और इसको भी हम लोग कैसा नाम देंगे, ओपन स्विच की तरह बोलेंगे कि ये भी ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो सर, इसका सर्किट डायग्राम अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो अब हम लोग जो आउटपुट निकालना चाहेंगे, यहाँ से जो वी आउट निकलेगा वो कितना निकलेगा उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए एक डायग्राम आप बनाइए। यहाँ देखिए, ये पहला स्विच हुआ और ये दूसरा स्विच हुआ, पहला स्विच, ये दूसरा स्विच, पहला स्विच यहाँ इसका नाम ए दीजिए और ये दूसरा स्विच इसका नाम बी दीजिए, और इस तरीके से आपके पास है, ऊपर में VCC सप्लाई है। अब आप सोचिए कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आउटपुट लेना चाहता हूँ, वी आउट निकालना चाहता हूँ, तो भाई इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो कैसे आउटपुट निकलेगा, ठीक है, यहाँ करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा यहाँ से होते हुए वी आउट मिलेगा, और इसे वी आउट को हम लोग VCC कहेंगे, क्योंकि ये बैटरी खर्च नहीं हुआ, तार टूटे हुए होने के कारण, तार ओपन होने के कारण, ठीक है, सर्किट ओपन होने के कारण बैटरी आपका वैसे के वैसे रह गया और ये VCC सप्लाई आपने ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे वी आउट इज इक्वल टू VCC। ये पहला केस बना जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनता है, केस नंबर वन। अब इसी को केस नंबर टू हम आपको यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। केस नंबर टू, जैसे ही मैं केस नंबर टू की बात करूँगा, केस नंबर टू देखिएगा, केस नंबर टू ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट हम लोग लिए हैं, ए का मान 0 वोल्ट ही रहने देते हैं, और बी का मान जो हम लोग +5 वोल्ट लेते हैं, ए का मान 0 वोल्ट, बी का मान +5 वोल्ट। तो आइए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट, बी इक्वल टू +5 वोल्ट। तो अगर मैं ए इक्वल टू 0 लूँगा, सोचिए T1 क्या होगा, ऑफ होगा, T1 ऑफ हो जाएगा। T2 में +5 वोल्ट दे रहे हैं, तो एक लड़का बोलता है सर T2 तो ऑन हो जाएगा, नहीं ऑन होगा, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में अगर एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं, यानी T2 में +5 देने के बावजूद भी नहीं ऑन होगा। उसका कारण है, इसका जो कलेक्टर है इसके इमीटर से कनेक्टेड है, और इसका इमीटर इसके बेस और कलेक्टर से है। अब ये ट्रांजिस्टर नहीं ऑन होगा तो करंट इसको इन इसको कलेक्टर में सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगा, और ये T2 भी नहीं चालू होगा। यानी अगर A इक्वल टू 0 वोल्ट, B इक्वल टू +5 वोल्ट, यहाँ लिख देंगे T1 बराबर ऑफ, ठीक है, और इसको भी लिखेंगे ओपन स्विच, ठीक है, सेम लैंग्वेज, और T2 बराबर भी ऑफ, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे ओपन स्विच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं T2, और यहाँ जो वी आउट हमें प्राप्त होगा, वी आउट बराबर हम लिखेंगे VCC, ठीक है। इसका भी सर्किट डायग्राम सेम यही वाला होगा, यानी ये सर्किट डायग्राम यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा समझने के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो केस नंबर थ्री पे बात करते हैं। आप केस नंबर थ्री, इसी को चेंज कर दे रहा हूं मैं, ये केस नंबर थ्री है, आप देख सकते हैं केस नंबर थ्री।
ये केस नंबर 3 बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ए इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट कर देते हैं और बी इक्वल टू 0 वोल्ट। तो T1 अगर मैं इसको प्लस दूं तो आप सोच रहे होंगे ये तो ऑन होगा ना सर, VCC दिया है और A में 0 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट दिए, नहीं ऑन होगा क्योंकि इसका निचला सर्किट, क्योंकि इसको ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड तक जाने में सर्किट क्लोज्ड नहीं है, यहाँ ओपन है। इसका मतलब हम T1 बराबर ऑफ ओपन स्विच लिखेंगे, T2 बराबर ऑफ भी ओपन स्विच लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर ये तो प्लस 5 वोल्ट दिए और ऊपर VCC ये तो चालू होना चाहिए, लेकिन भाई इसका जो इमीटर है ग्राउंड तक है, ग्राउंड तक में ये सर्किट ओपन है तो भाई करंट कैसे फ्लो करेगा। सीरीज कनेक्शन में अगर एक भी कनेक्शन टूटा तो पूरा करंट जीरो हो जाता है, नहीं करंट फ्लो करता है। यानी T2 ओपन स्विच, यहाँ वी आउट, यहाँ पर भी VCC होगा और सेम फोटो ये बनेगा, केस नंबर 3 भी ऐसा ही होगा, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहे हैं, आई थिंक हम इसलिए तेज चल रहे हैं क्योंकि इसके पिछले वाले में सारे कुछ इसी तरीके से हैं और अगर आपको कहीं परेशानी होती है तो आप बोलें, ठीक है। चलिए केस नंबर 4 जो कि अंतिम है, मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझेंगे इसको। केस नंबर 4 हम लोग बनाने जा रहे हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 यदि मैं ए बराबर प्लस 5 वोल्ट दूं, ठीक है, सही बात है, ए बराबर कितना लेना है प्लस 5 वोल्ट, बी बराबर भी कितना लेना है प्लस 5 वोल्ट, तो आप देख सकते हैं T1 का मान, T1 जो है ऑन हो जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस 5 वोल्ट हम दे रहे हैं, तो दोनों जो है ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा सर, तो ये ओपन स्विच नहीं रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज स्विच, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज स्विच, ठीक है। और वी आउट का मान क्या मिलेगा वो समझने वाली बात है। अब देखते हैं जब क्लोज स्विच है तो बना के दिखाइए, यहाँ पर प्लस VCC बनाएंगे और यहाँ एक स्विच दिखाएंगे, यहाँ भी एक स्विच दिखाएंगे और ये करेंट डायग्राम दे दिया मैंने, ये देखिए इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, ठीक है, ये क्लोज स्विच है और ये क्लोज स्विच है। हमको आउटपुट यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, आप खुद सोचिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है। अभी शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया करंट तो फ्लो करेगा लेकिन रेसिस्टेंस का मान जीरो, इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग नेग्लेजिबल लेके चलते हैं यहाँ पर, तो ये रेसिस्टेंस नहीं होने के कारण वी आउट का मान कितना होगा 0 वोल्ट, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 0 वोल्ट। तो अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे, यहाँ पर मैं ट्रुथ टेबल बना के दिखा देता हूँ। एक साइड आप लिखेंगे इनपुट और एक साइड लिखेंगे आउटपुट, ठीक है, एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट। इनपुट में दो लोग आप लोगों ने दिया ए बी, और आउटपुट में आप जानते हैं ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये नैंड गेट का काम है, जिसमें मैंने 0 वोल्ट लिया 0 वोल्ट लिया, तो अब आप याद कीजिए 0 वोल्ट में आउटपुट VCC होता था, याद आया, ठीक है, 0 और 1 लिया, 0 और प्लस 5 वोल्ट लिया, 0 और प्लस 5 वोल्ट लिया, इसमें भी आउटपुट VCC मिलता है, यहाँ प्लस 5 वोल्ट और 0 वोल्ट लिया, इसमें भी आउटपुट VCC मिला, लेकिन अगर मैं प्लस 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट दोनों लूँ तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ये जो आपके पास दिखा बॉक्स जो मैंने बनाया यही है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल याद कीजिए, आप जो ट्रुथ टेबल पढ़ते थे 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये नैंड गेट यानी नैंड गेट एंड गेट का उल्टा होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, तो इसी को कहते हैं नैंड गेट बाय ट्रांजिस्टर। तो चलते हैं इसके बाद जो है दूसरा हम लोग समझने जा रहे हैं, नॉर गेट बाय ट्रांजिस्टर। नॉर गेट बाय ट्रांजिस्टर हम लोग समझते हैं, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जो बनाने जा रहा हूँ इसका नाम है नॉर गेट, कौन सा गेट, नॉर गेट बाय ट्रांजिस्टर, सर्किट डायग्राम ऑफ नॉर गेट, ठीक है, बाय ट्रांजिस्टर इज गिवन बिलो, ये सर्किट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दिखाया कि यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर जो था वो श्रेणी क्रम में था, सीरीज कनेक्शन में था, अभी दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। तो अब पैरेलल कनेक्शन में है तो अगर पैरेलल कनेक्शन में करने के बाद तीसरा नहीं बनाना है, अगर तीसरा बनाते तो और गेट बन जाता, तो अगर एक हटा दिया जाए तो नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। तो बस तीसरे वाले दोनों या में से किसी एक के आउटपुट में हम लोग अगर आउटपुट ले तो हम लोग का ये नॉर गेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको ऑपरेट करके दिखाइए, हम कैसे मान लें कि ये नॉर गेट है। तो चलते हैं इसके लिए ऑपरेशन हम लोग करते हैं। जैसे ही मैं ऑपरेशन का बात करूंगा, चलिए ऑपरेशन की बात करूंगा, तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, पहला केस हम लोग लेंगे, केस फर्स्ट, जिसमें हम लोग A इज इक्वल टू 0 वोल्ट और V इज इक्वल टू भी 0 वोल्ट हम लेते हैं। जब दोनों में 0 देंगे तो दोनों ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा, यानी कि मेरा T1 इज इक्वल टू ऑफ रहेगा
ठीक है, साथ में T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू ऑफ, और ऑफ का मतलब हो गया ओपन, ठीक है, ओपन स्विच, ये ओपन स्विच होगा, और T2 इज इक्वल टू ऑन होगा, सॉरी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी ओपन स्विच होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो T1 इज इक्वल टू ऑफ हो गया, अब इसका सर्किट डायग्राम, तो क्या Vout क्या होगा ये बताना है, तो मैं आपको बता दूं, दोनों ओपन, ओपन स्विच दोनों ओपन है, ओपन स्विच के आउटपुट वोल्टेज VCC कहलाते हैं, तो VCC आउटपुट बनेगा, ठीक है। सर कैसे दिखा, तो आप इसका फोटो देख सकते हैं, यहाँ से VCC आया, यहाँ से एक स्विच बनाएंगे और यहाँ से एक स्विच बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ से ऐसे ग्राउंड कर दिया, यहाँ से इधर से ऐसे गया, इधर से ऐसे, ये दोनों स्विच, एक का नाम है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और आउटपुट कहाँ से लेना है, यहाँ से और यहाँ से। तो आप देख सकते हैं Vout जो लेंगे हम लोग, दोनों स्विच ओपन, तो ओपन स्विच में इधर भी करंट नहीं जाएगा, इधर भी करंट नहीं जाएगा, सारा करंट इधर से, करंट नहीं मतलब ये जो वोल्टेज प्लस VCC है ये अपने आप रखा रह जाएगा और ये आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा VCC। तो ये आपका यहाँ पर हुआ केस नंबर वन। केस नंबर टू पे चलते हैं हम लोग, केस नंबर टू यहाँ हम लोग पढ़ते हैं केस टू। जैसे हम केस टू की बात करेंगे तो केस टू में ए का मान जो आपके पास आएगा, ए का मान 0 वोल्ट लेंगे और बी का मान +5 वोल्ट लेंगे, ये दोनों केस हम लेके चल रहे हैं। जैसे हम ए का मान 0, बी का मान +5 वोल्ट, ए तो ऑफ होगा लेकिन बी ऑन हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन है, इसमें ऊपर से सप्लाई आ रहा है और यहाँ से +5 वोल्ट जा रहा है, यहाँ से +5 वोल्ट जा रहा है, ऊपर से VCC आ रहा है, इसलिए ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे T1 इज इक्वल टू ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया ओपन स्विच हो गया, ठीक है, और T2 इज इक्वल टू ऑन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज स्विच हो गया, ठीक है। तो ओपन स्विच क्लोज स्विच आप समझ रहे हैं, यहाँ से ओपन स्विच और क्लोज स्विच। आगे बढ़ते हैं, तो अब आप बोलेंगे जब ये क्लोज स्विच हो गया तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसके आउटपुट वोल्टेज 0 होंगे, यानी यहाँ से हम लोग Vout इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 वोल्ट। ऐसे कैसे मान लें सर, तो इसका और सर्किट डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे, देख लीजिए, यहाँ +VCC मैंने बनाया और दो स्विच बनाया, एक स्विच यहाँ पर और एक स्विच यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कर दिए और ये ग्राउंड कर दिए, ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं ये स्विच क्लोज हुआ, यहाँ से ऐसे, यहाँ हो गया बी नंबर और ये हो गया ए नंबर, ए और बी दो इनपुट्स, और ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आउटपुट होगा इसे Vout बोलेंगे और Vout का मान 0 वोल्ट होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। तो केस नंबर थ्री पर बात करते हैं, केस नंबर थ्री जो कि आपके पास यहाँ दिख रहा है, केस नंबर थ्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। केस नंबर थ्री, यदि मैं ए का मान क्या लूँगा, +5 वोल्ट और बी का मान क्या लूँगा, 0 वोल्ट। तो अब आप सोच सकते हैं यहाँ से हम लोग T1 इज इक्वल टू लेंगे, ए का मान +5 वोल्ट लेंगे तो T1 ऑन हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है, ऑन का मतलब हो गया कैसा, क्लोज स्विच, ठीक है, क्लोज स्विच कहलाएगा, ठीक है। दूसरा T2 का मान, T2 ऑफ हो गया, T2 ऑफ तो ये हो गया ओपन स्विच। अब यहाँ पर समझने वाला बात है, ठीक है, कि सर ओपन स्विच क्लोज स्विच तो Vout क्या होगा, देखिए ये तो ओपन हुआ लेकिन ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ तो कोई बात नहीं हट जाएगा, लेकिन ये वाला जो आउटपुट है इसके दोनों समानांतर क्रम में, तो ये क्लोज हुआ चाहे ये क्लोज हुआ, दोनों में से कोई एक भी क्लोज होगा तो हम लोग का आउटपुट क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर हम लोग जो लेंगे Vout इज इक्वल टू 0 वोल्ट, दोनों में से कोई एक भी, क्योंकि अभी देखिए फोटो दिखाता हूँ, यहाँ से ऐसे गए, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये सर्किट, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ग्राउंडेड, ठीक है, यहाँ से आउटपुट लेना है हमें Vout, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ए नंबर है और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से बी नंबर, बी यहाँ मैं दे दिया, ये स्विच क्लोज है, आप देख कौन सा स्विच क्लोज है, ये वाला क्लोज है, तो भाई ये तो ओपन है छोड़ दो, लेकिन यहाँ जो +VCC है, ये +VCC इसी के सामने तो आउटपुट वोल्टेज लेना है हमें, तो किसी भी शॉर्ट सर्किट के आउटपुट का वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो ये तीन केस हुआ, लास्ट केस मैं इसी केस को चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट केस कौन सा आएगा, तो केस नंबर फोर, यहाँ केस नंबर फोर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ए का मान हम लोग +5 वोल्ट लेंगे और बी का मान भी +5 वोल्ट लेंगे, तो दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये भी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और इसका नाम क्लोज स्विच कहलाएगा और इसका भी नाम क्लोज स्विच कहलाएगा, ठीक है।
तो अब वी आउट का मान जब दोनों क्लोज हुआ तो क्लोज स्विच का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, जीरो वोल्ट, यहाँ आउटपुट लेंगे जीरो वोल्ट, यानी दोनों के दोनों क्लोज हो गए, क्लोज का आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होता है, जीरो वोल्ट। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रुथ टेबल आया, मैं ट्रुथ टेबल यहाँ बना देता हूँ टीटी। एक साइड मैं इनपुट लूंगा और एक साइड आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में दो लोग हैं ए और बी, आउटपुट में एक है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं लूंगा जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट, याद आ रहा होगा। तो जीरो वोल्ट लेने पर, जीरो वोल्ट लेने पर दोनों ओपन स्विच था, आउटपुट वोल्टेज मिलता है VCC, ठीक है। दूसरा, ठीक है, आप देख सकते हैं, आओगे जीरो वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट, प्लस फाइव वोल्ट का मतलब ये ऑन हो गया, ऑन का मतलब हो गया जीरो वोल्ट, ठीक है। आइए तीसरा केस आपको मिलेगा प्लस फाइव वोल्ट और जीरो वोल्ट, यहाँ जो आपको मिलेगा ये भी मिलेगा आउटपुट जीरो वोल्ट, और तीसरा है प्लस फाइव वोल्ट प्लस फाइव वोल्ट, ये जो आपको आउटपुट मिलेगा ये भी आउटपुट देगा आपको जीरो वोल्ट। आपको याद है और गेट जो है, और गेट जो है नॉर गेट जो है और गेट का उल्टा होता है। और गेट में यहाँ जीरो वन, यहाँ जो होता था जीरो होता था, बाकी सब वन होता था। तो नॉर मतलब एन नॉट गेट लग गया, इसका मतलब उल्टा, तो ये जीरो का वन हो गया और वन का ये जीरो हो गया। तो ये आपके पास, ठीक है, पूरा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से देखिए। अब इसके IC डायग्राम के बारे में भी हम लोग जानेंगे, IC डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, IC डायग्राम को भी हम लोग समझते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका IC डायग्राम भी मैं शो करके दिखाता हूँ। तो आते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IC डायग्राम ऑफ NAND गेट NOR गेट। तो IC डायग्राम देख रहे हैं सेम वैसे ही, 14 पिन होता है इसका, IC नंबर 7400 होता है। चार NAND गेट होते हैं, देखिए कैसे NAND गेट होते हैं, यहाँ एक और दो, यहाँ से NAND गेट बनेंगे, ये NAND गेट का सिंबल होता है, ये तीन, यहाँ से एक NAND गेट बनेगा और ये ऐसे बनेगा, यहाँ से होते हुए छः नंबर। और जैसे कि ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, इसको ग्राउंड बोलते हैं, पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लस VCC होता है। और उसी तरीके से देखिए, यहाँ देखिए आठ और नौ से नौ और दस से इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना है, नौ से दस से इनपुट लेंगे और आठ से आउटपुट लेंगे। 12 और 13 से इनपुट लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, ओके, इसको ऐसे कनेक्टेड, यहाँ से ऐसे, और 11 में आउटपुट। तो ये चार NAND गेट होते हैं। चलिए NOR गेट में थोड़ा चेंजिंग होता है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो और तीन से इनपुट लिया जाता है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यहाँ से आउटपुट लेके एक में आउटपुट लेते हैं। इसी तरीके से 6 और 5 मेरा इनपुट वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और यहाँ से चार में आउटपुट, क्योंकि जब IC आएगा तो ये अंदर दिखेगा नहीं, नंबर भी नहीं दिखा रहेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। नॉच से पिन नंबर काउंटिंग कर लेंगे और उसके आधार पर बात करेंगे। तो कोई किसी को इनपुट नहीं बना सकते हैं, दो और तीन इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा NOR गेट में। यहाँ देखिए आठ और नौ में इनपुट लिया जाएगा ऐसे, और यहाँ से NOR गेट बना, दस में आउटपुट गया। 11 और 12 से इनपुट बनेगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे 13 में बनेगा। तो ये आपके पास IC डायग्राम है, इसका IC नंबर 7402 होता है, जो कि मैंने लिखा है। तो आप इसको समझिए आराम से IC डायग्राम, क्योंकि बाजार में IC मिलेगा और आगे के सेमेस्टर नहीं, छठे सेमेस्टर में आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट करना होगा, वहाँ पर IC अगर मिले और IC को जोड़ने नहीं आता है, IC का नंबर नहीं आता तो बेकार है। इसलिए अभी आप पढ़ रहे हैं और इसको आगे चल के सीखने का काम होगा। तो ये आपके पास पूरा लेक्चर था, इसमें मैंने NAND और NOR गेट से, ठीक है, बताया कैसे ट्रांजिस्टर से बनाया जाता है, ठीक है। तो अगला जो होता है XOR गेट XNOR गेट, वो बड़ा होगा, इसलिए हम लोग उसको ट्रांजिस्टर से नहीं बनाएंगे। अब हम लोग लॉजिक फैमिलीज के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक तो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, लॉजिक फैमिलीज का बहुत बड़ा लेक्चर नहीं, अब लॉजिक फैमिलीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फैन इन फैन आउट, ठीक है, प्रोपगेशन डिले, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको कि हम लोग को लॉजिक में समझना है। इन सब को समझेंगे और साथ साथ हम लोग, ठीक है, CMOS लॉजिक, MOSFET से कैसे NAND गेट NOR गेट AND गेट OR गेट बनाया जाता है वो भी सीखेंगे। ये सारे टॉपिक्स अभी आगे बचे हुए हैं, कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेगा, ठीक है, ध्यान देते रहिए और कंटिन्यू रहिए मेरे साथ हमेशा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।